my God. मूवी स्टार्ट होती है दो गे लड़कों से, एक का नाम स्कॉट और दूसरे का नाम कॉर्नर होता है। वो दोनों अपना वीकेंड एंजॉय करने के लिए एक जंगल में जा रहे होते हैं। जब रात में वो वहां पहुंचने के बाद अपना सामान निकाल रहे होते हैं, तब उन्हें जंगल में किसी के आने की आहट सुनाई देती है। फिर स्कॉट चेक करने के लिए जंगल में जाता है, लेकिन वो काफ़ी देर होने पर भी वापसी नहीं आता। अब कॉर्नर भी स्कॉट के पीछे चला जाता है। वो स्कॉट को तेज़ आवाज़ लगाता है, पर उस जंगल में कोई भी उसकी आवाज़ का जवाब नहीं देता। जब वो स्कॉट को कॉल करने लगता है, तभी कोई कॉर्नर को पीछे से अटैक कर देता है। कॉर्नर वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते वो एक ट्रैप में फंस जाता है, जिसके बाद हम दो लड़कियों को देखते हैं। एक का नाम रैनी और दूसरी का नाम वेलेरी होता है। वो दोनों लेजिबियन होती हैं। वो दोनों भी उस जंगल में वीकेंड एंजॉय करने का प्लान बनाती हैं। असल में कॉर्नर और स्कॉट वेलेरी के दोस्त होते हैं। कॉर्नर ने वेलेरी को भी वहां आने का कहा था। दूसरे दिन वेलेरी और रैनी अपनी कार में बैठकर जंगल की तरफ निकल पड़ती हैं। वो दोनों जब वहां पहुंचती हैं तो स्कॉट और कॉर्नर उन्हें कहीं नज़र नहीं आते, जिसके बाद वो बाहर गार्डन में चली जाती हैं और वहां पर बैठकर बातें करने लगती हैं। जब वो दोनों बातें कर रही होती हैं, तभी वेलेरी को जंगल में किसी के होने की आहट सुनाई देती है। जब रैनी चेक करने के लिए जाती है तो उसे एक वहाँ सिगरेट पड़ा मिलता है, जो अभी भी जल रहा होता है। रैनी वेली से पूछती है कि तुम्हारे दोस्त सिगरेट पीते थे। उस पर वेलेरी उसे बताती है कि वो सिगरेट नहीं पीते थे, जिस पर रैनी को बहुत ज़्यादा शक होता है और अपना सामान लेकर भागने लगती हैं दोनों। जब वो घर की तरफ आ रही होती हैं तो उन्हें अपनी कार भी नज़र नहीं आती। फिर वो उस घर में आती हैं। वहाँ बेसमेंट में उन्हें दो डेड बॉडीज़ मिलती हैं, जो खून से लथपथ होती हैं। फिर वहाँ एक आदमी गन लेकर वेलेरी के पीछे खड़ा हो जाता है और वो दोनों उसे देखकर जंगल की तरफ भागने लगती हैं। भागते भागते उन्हें अपनी कार पानी के तालाब में नज़र आती है। वो दोनों फिर से भागने लगती हैं और भागते भागते वेलेरी का एक पांव एक ट्रैप में फंस जाता है। रैनी उस ट्रैप को खोलने की बहुत कोशिश करती है, पर वो एक चैन से बंधा होता है। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो ट्रैप नहीं खोल पाती। अब रैनी उस ट्रैप को तोड़ने के लिए अपनी कार में से कुछ लेने जाती है, जिस पर वेलेरी उसे बहुत मना करती है, पर वो बोलती है कि मैं जल्द आ जाऊंगी। उस कार की तरफ जाते जाते रात हो जाती है। वो कार से जब हथौड़ा लेकर आ रही होती है तो वो रास्ता भूल जाती है, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। तभी उसे वेलेरी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। अब रैनी वहां जाकर देखती है तो उसे वेलेरी वहां नहीं दिखाई देती। थोड़ी देर में वहां एक मास्क वाला आदमी गन लेकर वहां आ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम रैनी को एक रूम में बंधा हुआ देखते हैं। रैनी वहां पर नोटिस करती है कि इस रूम में एक कैमरा लगा हुआ है, मतलब कि वो लोग रैनी को मॉनिटर पर देख रहे थे। रैनी को खिड़की से दूसरी तरफ एक लड़की दिखाई देती है। रैनी उसे आवाज़ भी देती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और वो दोनों रोमांस करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद वो मास्क वाला आदमी कैमरा लेकर रैनी के पास आता है। रैनी उसे कहती है कि प्ले मुझे छोड़ दो, मैं किसी को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने अभी तक तुम्हारा चेहरा नहीं देखा है। जिसके बाद वो आदमी अपना मास्क उतारता है और उसे अपना चेहरा रैनी को दिखाता है। वो रैनी की वीडियो रिकॉर्ड करके वहां से चला जाता है। इसके बाद वो किचन वाली लड़की रैनी को पानी देने आती है। रैनी उससे मदद मांगती है, पर वो लड़की उसकी कोई मदद नहीं करती और वहां से चली जाती है। वो किचन वाली लड़की एक रूम में आती है, जहाँ पर काफ़ी सारे मॉनिटर लगे होते हैं। एक मॉनिटर में हम स्कॉट को भी देखते हैं, जो बंधा होता है। अब हम गेविन को देखते हैं, जो एक आदमी को मास्क पहनाकर
एक कुल्हाड़ी देता है और कॉर्नर को मारने का बोलता है। इधर रैनी अपनी हाथों की रस्सियां खोल लेती है। वो किचन वाली लड़की उसे चेक करने के लिए आती है, जहां पर उन दोनों में फाइट हो जाती है। फाइट के दौरान वो लड़की बेहोश हो जाती है। अब वो जंगल की तरफ भागने लगती है, तभी उसे वेलेरी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। विनेरी जब वो आवाज़ को फॉलो करते हुए वहां जाती है, वहां पर उसे कॉर्नर और विलेरी दोनों रस्सियों से बंधे हुए नज़र आते हैं। गेरिन और जॉन्स उनकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। उसके बाद जेम्स मास्क पहनकर कॉर्नर को भी कुल्हाड़ी से मार डालता है। थोड़ी देर बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब दूसरा नंबर विलेरी का होता है। कुछ देर बाद विनय विलेरी को छुड़ा लेती है और वहां पर एसिड को भी ले लेती है। अब वहां पर जेम्स भी आ जाता है। उस पर वेनी वो एसिड उसके मुंह पर मार देती है, जिससे जेम्स का चेहरा जलने लगता है और वहां से वो गन उठाने के लिए चला जाता है। अब विलेरी और विनी भागकर उसी घर में आते हैं जहां वो लड़की डिनर बना रही थी। वहां पर जेम्स गन लेकर आ जाता है और रैनी पर अटैक करता है। उन दोनों के बीच फाइट चली रही होती है, तब पीछे से विलेरी कुल्हाड़ी जेम्स के सर में ठोक देती है और जेम्स मर जाता है। फिर वो एक रूम में जाते हैं जहां पर काफ़ी सारे मॉनिटर लगे होते हैं, जहां पर रैनी को पता चलता है कि ये लोग मर्डर लाइव दिखा रहे थे और पैसे कमा रहे थे। तभी वहां पर वो किचन वाली लड़की आ जाती है। अब उनके बीच में फाइट हो जाती है। रैनी एक मॉनिटर उठाकर उसके सर पे मार देती है और वो मर जाती है। अब ये दोनों उस गन को उठाकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। गेविन पीछे से हमला करता है, जिस पर रैनी छुपकर उस पर फायर करती है, पर रैनी की गोलियां ख़त्म हो जाती हैं। जब गेरिन रैनी को शूट करने ही वाला होता है, तब विलेरी पीछे से गेविन को गोली मार देती है। फिर वो दोनों उसे घसीटते हुए उस कैमरे के पास लेकर आते हैं और उसी का ही लाइव मर्डर उन्हें दिखाते हैं। उसके बाद वो दोनों उस जंगल से निकलकर हाईवे पर आ जाती हैं और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।